वेलकम टू माय वीडियो गाइस। सो गाइस 19 मई 2020 को IQOO Z1 चाइना में लॉन्च हो चुका है और जल्दी ही स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और इसके जैसे रिव्यूज आ रहे हैं उनमें कहा जा रहा है ये फोन चीप और एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला होगा। तो चलिए गाइस जानते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन, प्राइस, रिलीज डेट जो की होगी इंडिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। तो गाइस हर बार की तरह सबसे पहले बात करते हैं IQOO Z1 के डिजाइन के बारे में। जैसा कि गाइस पिक्स में दिख रहा है इसमें आपको बैक में ग्लास मिलता है और फ्रेम होगा इसका एल्युमिनियम का। साथ ही इसका वेट मिल जाता है 195 ग्राम्स का और थिकनेस होगी 8.9 mm की। तो करते हैं बात इसकी डिस्प्ले की। इस फोन में आपको मिलती है 6.52 इंचेस की IPS LED कैपेसिटिव टच स्क्रीन और इस स्क्रीन के साथ आपको मिल जाती है 16 मिलियन कलर्स की डेप्थ और इस स्क्रीन का रिजोल्यूशन होगा 1080x2408 पिक्सल्स और इस रिजोल्यूशन की वजह से आपको इसमें मिल जाता है 402 PPI की पिक्सल डेंसिटी। और साथ ही गाइस यहाँ आती है इसकी एक अच्छी बात, इस फोन में आपको मिलती है 144Hz की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और ये रिफ्रेश रेट अब तक का फोन में मिलने वाला सबसे ज्यादा रिफ्रेश रेट है। तो अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। इस फोन में आपको मिलता है MediaTek 1000 प्लस का CPU और अगर इस CPU को हम कंपेयर करें Snapdragon 865 से तो ये उससे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस वाला होगा। लेकिन अगर हम बात करें प्राइस की तो Snapdragon 865 का प्राइस इससे कहीं ज्यादा है और ये प्रोसेसर इस फोन में इसलिए यूज किया गया है ताकि इसका प्राइस कम हो एज कम्पेयर टू अदर फ्लैगशिप मोबाइल्स विच हैव Snapdragon 865। और साथ ही इसमें आपको मिल जाता है Mali G77 का GPU और ये GPU भी काफी अच्छा है। तो ये बात इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, इस फोन में आपको मिलता है लेटेस्ट Android 10 और उसके साथ मिल जाता है आपको IQOO UI 1.0 का यूजर इंटरफेस। इसका जो 6GB + 128GB वाला वेरिएंट होगा उसका प्राइस होगा नियर बाय 23,400 रुपीज जबकि इसका 8GB + 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले का प्राइस होगा 26,600 इंडियन रुपीज और इसका सबसे बड़ा वेरिएंट जो कि 8GB + 256GB उसका प्राइस होगा नियर बाय 29,800 इंडियन रुपीज। तो प्राइस के बाद अब बात आती है इसकी रिलीज की। गाइस इस फोन की प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी 25 मई 2020 से और इसकी ऑफिशियल फर्स्ट सेल होगी 1 जून 2020 से। तो बात करते हैं इसकी कुछ बाकी स्पेसिफिकेशंस की। जैसे कि आपने प्राइस के वक्त देखा होगा इसके आपको तीन वेरिएंट मिलेंगे जो कि होंगे 128GB + 6GB RAM एंड 128GB + 8GB RAM एंड इसका सबसे बड़ा वेरिएंट 256GB + 8GB RAM। साथ ही आपको मिल जाता है UFS 2.1 का फास्ट स्टोरेज का सपोर्ट। तो बात करते हैं इसके मेन कैमरे की। इसमें आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें होंगे 48MP का वाइड एंगल कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2MP का मैक्रो कैमरा और इस बैक कैमरे के फीचर्स होंगे HDR एंड पैरानोमा, सेम ऐसा ही जैसे आपको बाकी फोन में मिल जाता है। और साथ ही ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 4K वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकंड। तो बैक कैमरे के बाद अब बात आती है इसकी सेल्फी कैमरे की। इस फोन में आपको मिलता है 16MP का वाइड एंगल कैमरा और ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 1080p की वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकंड। तो बात आती है इसकी बैटरी की। इस फोन में आपको मिलती है 4500mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी, साथ ही में आपको मिल जाता है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो कि होगा 44W का। तो बात आती है इसकी कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस की। इस फोन में आपको लाउड स्पीकर मिल जाता है, 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है साउंड माउंटेड। तो बस गाइस ये थी इस फोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस और आपको अगर इस तरह के लेटेस्ट फोनों की स्पेसिफिकेशंस जाननी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फोन के साथ।